So here, in row minima method, we have to select the first row and from first row, check the minimum value. So here, 1 is a subset minimum value of first row. We have to assign here. Or if we check it, 250 or 300. In comparison, here, 250 is the minimum. So this will be assigned first term. अब इनमें कंपेयर करोगे तो ये वाला कंडीशन होल्ड हो गया है, रो होल्ड हो गया, दैट मींस रो क्या हो जाएगा यहां से कैंसिल आउट और ये 250 300 में से सबट्रैक्ट करना है, दैट मींस हियर रिमेन इज. सेकंड रो चेक करो, सेकंड में भी जो मिनिमम वैल्यू है उसके करस्पोंडिंग असाइन. सो इनको अगर कंपेयर करते तो सेकंड में हियर 200 इज असाइन, तो 200 मतलब कॉलम होल्ड हो गया, सो ये 200 इसमें से सबट्रैक्ट, सो इट इज ए 50. पूरा रो होल्ड नहीं हुआ है, जस्ट कॉलम होल्ड हो गया. और हम रो मिनिमम में पहले रो को कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट रो अभी तक, सेकंड रो अभी तक के स्टिल रिमेन है. तो अगेन स्टिल सेकंड रो में चेक करो कौन सी मिनिमम वैल्यू है. नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज 2, 2 के करस्पॉन्डिंग असाइन करना है आइदर 50 और 400. तो मिनिमम इज 50, सो यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग असाइन होगा 50. ठीक है, अब 50 असाइन करने के बाद में यह होगा रो कैंसिल, ये 50 में से सबट्रैक्ट, तो रिजल्ट 350. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 2, अब 2 के करस्पॉन्डिंग असाइन होगा यहाँ पे 100, इसका मतलब एक कॉलम होल्ड हो गया, सो 100 हियर सबट्रैक्ट फ्रॉम 200, तो रिजल्ट 100. नाउ स्टिल ये थर्ड रो एज इट इज है, द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू इज 5, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या असाइन करना है, तो इट इज ए 50 मिनिमम, सो 50 असाइन, अगेन कॉलम इज होल्ड और यहाँ पे हो जाएगा 50. नाउ द नेक्स्ट, अगेन इसी कॉलम को चेक करना है क्योंकि रो को चेक करना है क्योंकि ये रो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं हुआ है. सो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 6 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू है 50, ये 50 यहाँ पे असाइन, नाउ दिस रो इज कैंसिल. अगर रो को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 300. नाउ द नेक्स्ट रो, ये रो में सिर्फ एक ही वैल्यू रिमेन है 3. अब 3 के करस्पॉन्डिंग देखो जो असाइन करने का नंबर है वो 300, 300. ये लास्ट वाला सेम आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम. अगर ये लास्ट सेम नहीं आया तो पहले उसको बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा. तो ये ऑलरेडी बैलेंस प्रॉब्लम था, दैट मीन्स यहाँ पे 300 क्या होगा असाइन करस्पॉन्डिंग टू 3 और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम दोनों भी कैंसिल. सो सब कुछ कैंसिल होना मतलब हमारी पूरी कंडीशन यहाँ पे होल्ड होगी. अगेन फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रोसेस सेम रहेगा. फिजिबल सॉल्यूशन में ये जो असाइन किए हुए नंबर है इनका प्रोडक्ट, सो इट इज ए 50 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 3, नेक्स्ट आएगा प्लस 200 इंटू 1 प्लस 250 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 5 एंड प्लस 100 इंटू 2. जितने भी टर्म्स के करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट है ये सभी यहाँ पे लिख दिए और उन सब का प्रोडक्ट लेके समेशन. सो ये अगर इसका प्रोडक्ट लेके समेशन फाइंड आउट करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 2200. थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.